सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय वयम नमः। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी 10 मई 2020 रविवार के दिन है और इस दिन चंद्रमा का उदय रात को 10:22 पर होगा। पूरे दिन भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए व्रत रखना चाहिए तथा शाम के समय जब चंद्रोदय हो उसके पहले भगवान गणेश जी का अच्छी प्रकार से मोदक या लड्डू का भोग लगा करके या फिर गुड़ का भोग लगा करके और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा का दर्शन पूजन अर्घ दे करके इस व्रत का समापन कर सकते हैं, यानी व्रत को खोल सकते हैं। उसके बाद भोजन आदि कार्य भी आप सम्पन्न कर सकते हैं। चतुर्थी प्रत्येक माह में 2 आती है और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे सकट या संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे विनायकी चतुर्थी या वरद चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश जी आदिकाल से पूजित रहे हैं। वेदों में, पुराणों में शिव पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में श्री गणेश जी के संबंध में अनेक लीलाएं, कथाएं तथा पूजा पद्धतियां मिलती है। उनके नाम से घर गणेश पुराण भी सर्वसुलभ है। प्राचीन काल में अलग अलग देवता को मानने वाले संप्रदाय अलग अलग थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि सभी देवता ब्रह्म के स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप है तथा जन साधारण ने उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग को अंगीकार कर लिया है तथा स्मार्त कहलाए। देवता कोई भी हो, पूजा कोई भी हो, गणेश पूजन के बगैर सब कुछ निरर्थक माना जाता है। गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। सबसे पहली यदि किसी की पूजा होती है तो वो गणेश जी की होती है। इसलिए हम प्रत्येक कार्य को कहते हैं कि अमुक कार्य का श्री गणेश करना। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अर्थात विद्यारंभ यदि करना हो छोटे बच्चों का या विवाह कर्म करना हो या फिर गृह प्रवेश करना हो या फिर संग्राम में विजय प्राप्ति के लिए जाना हो या किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए घर से बाहर जाना हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी अन्य सफलता को प्राप्त करने हेतु घर से बाहर जाना हो तो प्रत्येक कार्यों को जो है निर्विघ्न समाप्ति के लिए, सारे संकटों को काटने के लिए भगवान गणेश जी का सबसे पहले स्मरण तथा पूजन किया जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्टी चतुर्थी होती है उसमें प्रद्युम्न रूपी भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है और इस दिन फल का दान, शाक सब्जी का दान तथा मूली का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में बताया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कई कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, विद्या, धन तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है एवं घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के निमित्त व्रत रख करके शाम को भगवान गणेश जी का अपनी श्रद्धा आस्था के साथ पूजन करके चंद्रमा का दर्शन तथा पूजन करके और इस व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। रात्रि 10:22 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रमा का भी आप पूजन करें, अर्घ दें और इस कथा को अनिवार्य रूप से सुने। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस कथा का श्रवण करना चाहिए क्योंकि कथा श्रवण करने मात्र से भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस कथा को आप सुने और अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं ताकि उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। गणेश चतुर्थी की जो कथा आती है उसमें बताया है कि दयादेव नामक एक ब्राह्मण
की कथा सबसे पहले सुनाई जाती है। एक समय की बात है, पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ माह की चतुर्थी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का नाम क्या है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि आप मुझे वर्णन करिए। गणेश जी भगवान कहते हैं कि हे माता पार्वती, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है, यानी व्यक्ति का जो दुर्भाग्य होता है इस व्रत को करने से वह समाप्त हो जाता है तथा कुमारी कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति भी होती है। इस दिन आखू मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्तिपूर्वक करना चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बना करके गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे माता पार्वती, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का आपके समक्ष वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराण में वर्णित है वह आप कृपा करके सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक प्रथु नामक राजा हुए। उनके राज्यांतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः हे कल्याणी, हे माताजी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र विधि की बात सुनकर के उसके ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और न तुम भिक्षुणी हो, ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और ये गणेश जी कौन है, फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10वें महीने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी की कुछ दिनों के बाद में जो है कुपित हो गए, गुस्सा हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि दूल्हा कहाँ चला गया, लड़का कहाँ गायब हो गया, किसने इसका अपहरण कर लिया है? बारातियों के द्वारा ऐसा समाचार पा करके उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो करके कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसी बात को सुन करके ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधु भी बहुत दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधु प्रतिमास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा यानी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण से सुनकर के उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दान किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर के ब्राह्मण कहने लगे कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न है, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे घर आया हूँ। ब्राह्मण की बात को सुन करके कन्या हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पतिदेव जो कि मंडप से गायब हो गए हैं उनका दर्शन करवा दीजिए। कन्या की बात को सुनकर के गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर के गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस दिव्य बालक को लेकर आए। अपने पौत्र को देख करके दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा नहीं रही। सब बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हो गए।
बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को पुनः प्राप्त कर लिया है। पुनः एक बार मंडप का निर्माण करके और विधिपूर्वक वैवाहिक कार्य का संपन्न किया। वह भाग्यशाली अपने पति को पा करके धन्य हो उठी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजा को करेगा उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत के जो महात्म है, हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आखू यानी मूषक रथा गणेश जी की स्वरूप की पूजा करने का विधान है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करके गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके मन ही मन व्रत का संकल्प करें तथा इस प्रकार कहे, हे एक दंत मूषक रथा गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूँगा या करूँगी एवं शाम के समय आपका पूजन करके चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही भोजन करूँगा या करूँगी। संकल्प करने के बाद पूरे दिन गणेश जी का भजन करते रहें, उनका स्मरण करते रहें, उनका ध्यान करते रहें, उनके नामों का उच्चारण करते रहें। शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधिपूर्वक गणेश जी के सामने बैठ करके कंकु अक्षत अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी सिंदूर पुष्प दुर्वा गुड़ धूप दीप चंदन अक्षत सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। नैवेद्य के रूप में घी से बने हुए हलवा लड्डू पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन करके अर्घ्य अर्पित करें और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा अवश्य सुने अथवा लोगों को सुनाएं। ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। उसके बाद प्रसाद को सभी में बांट करके स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत के करने से उत्तम सौभाग्य मनुष्य का होता है एवं कन्या उत्तम पति को प्राप्त करती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ मनुष्य के सिद्ध हो जाते हैं तथा जीवन के सभी संकट और कष्टों का भी निवारण होता है, क्योंकि इस चतुर्थी का नाम ही संकष्टी चतुर्थी है, इसलिए सारे संकटों को हरने वाली यह चतुर्थी मानी जाती है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोर्या। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोर्या। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। कार्तिक भगवान की जय। भैरवनाथ महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कल के आनंद की जय हो। परसों के आनंद की जय हो। बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।